यह प्रवचन चैतन्य चरितामृत आदि लीला के तीसरे स्कंध के 52वें अध्याय पर आधारित है, जो कि श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के द्वारा 19 मार्च 2011 को जुहू मुंबई में दिया गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी का आविर्भाव तिथि है, हम आदि लीला के तीसरे अध्याय का एक श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक 32, जिसमें जो कि श्लोक भगवतम से लिया गया है और जिसमें ये बताया जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु जी कौन है, स्वयं भगवान है। कृष्णा वर्ण भिक्षा कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
भागवतम का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जो कि भागवतम के 11 स्कंध में प्राप्त होता है। महाराज जी ने पूछा था करभजन से भगवान के अनेक अवतारों के विषय में, और उस प्रश्न के उत्तर में करभजन भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, और इस श्लोक द्वारा स्पष्ट स्थापित हो रहा है क्या कि भगवान कलयुग में प्रकट होंगे चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में, और उनका प्रसिद्ध कार्य क्या होगा, हरि नाम का उच्चारण और हरि नाम का प्रचार। तो चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान है, श्री कृष्णा चैतन्य राधा कृष्णा नाहे आनिया। राधा और कृष्णा प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। कुछ समय पहले आप भक्तनदास ठाकुर का प्रसिद्ध भजन गा रहे थे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। नरोत्तमदास ठाकुर वैसे तो एक राजा के बेटे थे, राजकुमार थे बंगाल में, पर उनका आकर्षण था चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों की तरफ। तो उन्होंने अनेक भजन लिखे, तो इस भजन में वो कह रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु आप मेरे ऊपर दया कीजिए, तुम बिना किए दयालु जगत संसार है, आपसे ज्यादा दयालु कोई अवतार नहीं, पति पवन है तो तवा अवतारा। आप प्रकट क्यों हुए हो, आप प्रकट हुए हो पतितों का उद्धार करने के लिए। और देखा जाए कलिगा की जो पूरी प्रजा है पतित है, कलो शूद्र संभव। हम बेशक ये दावा करें कि हमारा धर्म तो ब्राह्मण खानदान में, हम ऊंचे खानदान के हैं, पर शास्त्र के अनुसार कलियुग में हम सब हैं शूद्र के समान। आजकल भारत में हम कहते रहते ऊंची जाति नीची जाति, पर सभी नीची जाति के जैसे कलियुग में कलो शूद्र संभव, तो 100% रिजर्वेशन होना चाहिए। नरोत्तमदास ठाकुर जी कहते हैं पतित पवन ही तो तव अवतारा, आप अवतारित हुए हो किस लिए, पतितों को उद्धार करने के लिए। और आगे कहते हैं मोह समा पतित प्रभु ना भाई प्यारा, मेरे से ज्यादा पतित कोई नहीं है। तो ये है भक्त का भाव। तो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में आपको प्रहलाद महाराज की शिक्षा प्राप्त होती है, और प्रहलाद महाराज जी ने महाप्रभु जी के अवतार के विषय में कहा है कि वो गुप्त अवतार के रूप में प्रकट होंगे कलियुग में भगवान। गुप्त अवतार का अर्थ है छुपा हुआ अवतार है भगवान, पर ये दावा नहीं करेंगे कि मैं भगवान हूं, है भगवान पर प्रकट होंगे भक्त के रूप में। और वो भक्त के रूप में प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। चैतन्य महाप्रभु जी के दादाजी का नाम था उपेंद्र मिश्र, और उनके 7 बेटे थे जिनमें एक बेटा था जगन्नाथ मिश्र। उपेंद्र मिश्र पहले निवास करते थे उस स्थान में जिसे आज हम बांग्लादेश बुलाते हैं। अगर बांग्लादेश जाओ तो वहाँ अनेक तीर्थ के स्थान हैं जहाँ हमारे वैष्णव संत प्रकट हुए हैं। इस्कॉन के भी लगभग 40 केंद्र हैं बांग्लादेश में और हजारों भक्त हैं। तो उपेंद्र मिश्रा बांग्लादेश के निवासी थे, उनके 7 बेटे थे जिनमें से एक ज़्यादा पढ़ा लिखा था जिनका नाम था जगन्नाथ मिश्रा। और जगन्नाथ मिश्रा बांग्लादेश से आगे थे रहने के लिए नवोदय धाम में। जब वो नवोदय धाम में आए
तो वहां का परिचय हुआ उस समय के एक बड़े प्रसिद्ध जोशी के साथ, एस्ट्रोलॉजर, जिनका नाम था नीलम्बरा चक्रवर्ती। और नीलम्बरा चक्रवर्ती ने फिर अपनी बेटी सची देवी का विवाह कराया उनके साथ। तो जगन्नाथ मिश्र और सची देवी बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से नंद मनादर यशोदा के अवतार। तो उनके कई औलाद हुई थी, उनका नौवा बच्चा था विश्वरूप, जो कि महाप्रभु जी के बड़े भाई है, बालराम जी के अवतार थे, यानी और फिर हुए थे चैतन्य महाप्रभु पर। तो भगवान के शुरू में अनेक नाम थे, भगवान के हमारे आपके एक दो नाम, भगवान के तो हजारों नाम है, लाखों नाम है। हाँ, और भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं तो अपनी अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। आजकल भारत में एक बड़ा प्रसिद्ध प्रचारक है जो कहता है मैं चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार हूँ, तो या नित्यानंद जी का अवतार है। पर नित्यानंद जी और महाप्रभु जो प्रकट हुए, उन्होंने अपनी अद्भुत लीला प्रकट की। इन अवतारों को बोलो कुछ अद्भुत लीला तो प्रकट करके दिखाइए, ये फेल हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु जी हालांकि भक्त के रूप में प्रकट हुए थे, उन्होंने अपने अद्भुत लीला भी प्रकट की, जिसके द्वारा आप ये पहचान सकते हो कि वो स्वयं भगवान है। बचपन में भी उन्होंने अपनी अद्भुत लीला प्रकट की, इसके पूरा हम तो संक्षेप में ही चर्चा करेंगे। आप महाप्रभु जी की लीलाओं का वर्णन दिन रात कर सकते हो। तीन प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिनके द्वारा आपको चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। एक है चैतन्य चरितमृत, जिसका अनुवाद श्री प्रभुपाद जी ने किया है। प्रभुपाद जी कहते थे गीता इज हाई स्कूल, भागवतम इज कॉलेज, एंड चैतन्य चरितमृत इज पोस्ट ग्रेजुएट। तो चैतन्य चरितमृत में बड़ा गहरा सिद्धांत है और भगवान की लीलाओं का वर्णन है। एक और प्रसिद्ध ग्रंथ है चैतन्य भागवत, जिसकी रचना वृंदावन दास ठाकुर ने की है। यही चैतन्य भागवत पहले प्रकाशित हुआ था चैतन्य मंगल के नाम पर। तो चैतन्य मंगल के नाम पर जब प्रकाशित हुआ तो वृंदावन दास ठाकुर को पता लगा कि चैतन्य मंगल नाम का एक ग्रंथ लोचन दास ठाकुर ने प्रकाशित कर दिया। तो फिर उन्होंने नाम बदल दिया, चैतन्य मंगल को बना दिया चैतन्य भागवत। तो इसकी रचना वृंदावन दास ठाकुर ने किया है और वृंदावन दास ठाकुर को व्यासदेव का अवतार माना जाता है। पिछले हफ्ते हम लोग नवद्वीप परिक्रमा में थे, तो उस स्थान में भी गए जहाँ वृंदावन दास ठाकुर की मूर्तियों का दर्शन मिलता है। तो आज भी आप वृंदावन दास ठाकुर की मूर्तियों का दर्शन ले सकते हो नवद्वीप परिक्रमा के दौरान। और एक और ग्रंथ है चैतन्य मंगल, इसकी रचना लोचन दास ठाकुर ने की है। तो इन तीन ग्रंथों के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु जी के लीलाओं उपदेश के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो चैतन्य चरितमृत में भगवान के अनेक बाल लीलाओं का वर्णन है। जब भगवान छोटे ही थे उन्होंने अपनी दिव्य लीला प्रकट करना आरम्भ कर दिया था। जब वो उन्होंने चलना क्रॉलिंग शुरू किया तो उनके फर्श पर विष्णु के चरणों के लक्षण प्रकट हो रहे थे। तो पहले तो उनके माता पिता ने सोचा शायद हमारे घर में जो दामोदर गोपाल की मूर्ति है ये उसके चरणों का निशान है। उनके घर में था दामोदर गोपाल की मूर्ति। फिर उनकी माँ ने एक दिन दूध पिलाते हुए देखा, नहीं नहीं ये लक्षण तो मेरे बाप बेटे के चरणों में। तो बड़े आश्चर्य हुए जब भगवान प्रकट हुए थे। उनके नाना जी नीलम्बरा चक्रवर्ती ने उनकी जन्मपत्री बनाई थी। प्राचीन समय में रिवाज था कि जन्मपत्री बना देते पैदाइश के पर,
आजकल भी बनाते हैं आज लो कंप्यूटर में तो लला बड़ा अच्छा करवाती ने उनकी जन्मपत्री बनाई थी और कहा सची माता जो उनकी बेटी थी क्या ये जो लड़का है आपका ये पूरे विश्व को संभालेगा इसके लिए उसका एक नाम होगा विश्वंभर। ये लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है। फिर आगे उन्होंने ये भी कहा ये जो बालक है अलग अलग युगों में प्रकट हो चुका है। जैसे जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे तो गार्गी मुनि ने ये सूचना दी थी नंद महाराज को, तो नीलांबर चक्रवर्ती ने कहा ये जो लड़का है अलग अलग युगों में प्रकट हो चुका है। मतलब कि भगवान अलग अलग युगों में प्रकट होते हैं अलग रंगों से, और ये जो लड़का है एक दिन संन्यास भी लेगा। तो संन्यास भी लेगा ये उन्होंने सची माता को नहीं बोला क्योंकि सची माता को पता लग गया था कि उनका बेटा संन्यास लेगा तो घबरा आ जाएगी। तो ये जरूर बोला वो पूरे विश्व को संभाल रहे। तो सची माता को थोड़ा अंदाजा तो था कि मेरा बेटा जो है साधारण बेटा नहीं है। तो जब उन्होंने देखा ये विष्णु के चरणों के लक्षणों को उनके पुत्र के चरणों में तो बड़े प्रसन्न हुए। फिर एक समय भगवान जब छोटे ही थे एक दो साल के झेलू सांप के हुड में नाच रहे थे। हुड में क्या कहना है पन के ऊपर नाच रहे थे तो सारे माँ बाप घबरा गए। झेलू सांप के सिर पर नाच रहे हैं झेल कहीं वो क्या काट दिए। तो जैसे भगवान कृष्ण ने कालिया सरपंच पर सांप पर नाचे थे वैसे नाचे। और एक समय क्योंकि भगवान को उनके माता पिता ने गहनों के साथ सजा रहा था तो एक समय चोरों ने उन्हें चुरा लिया। वो चोर बच्चे को उठाकर भाग रहे थे दूर इस विचार के साथ कि हम गहने चुरा लेंगे और बच्चे को मार देंगे। पर जहां भी वो भागते थे भगवान की कृपा से वापस जगन्नाथ मिश्र के घर में लौटा थे। तो भाग रहे थे मान लो यहाँ दाएं तरफ और घुमा कर उनके घर के सामने पहुंचा। तो इस प्रकार वो चोर असफल हुए अपनी योजना में इतने तंग आ गए कि बच्चे को वहीं छोड़ दिया। एक दिन एक ब्राह्मण आया था जगन्नाथ मिश्रा के घर में रहने के लिए। जगन्नाथ मिश्रा वो क्या था संतों की सेवा करते थे जैसे प्रभुपाद जी के पिता थे गौर मोहन डे वो भी बकायदा संतों की सेवा करते थे घर में उनको रहने का स्थान देते थे। तो ये ब्राह्मण को जगन्नाथ मिश्रा ने निमंत्रण दिया आओ प्रसाद खाओ। ब्राह्मण ने प्रसाद बनाया और भगवान को भोग लगा रहा था तो निमाई उधर पहुंच गया और झूठा कर दिया। क्या भगवान को भोग लगाना झूठा कर दिया तो लोग फिर से भोग तैयार करना पड़ा। दूसरी बार भोग तैयार किया फिर से झूठा कर दिया निमाई ने। तो कि पिता ने इतना अपमान महसूस किया ब्राह्मण हमारे घर में आए हैं और हम की सेवा की वजह उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। पिता ने अपने बेटे को दूरी पर एक कमरे में बंद कर दिया। लगभग रात के 11 बज गए थे 12 बज गए थे। घर के सब सदस्य सो गए और उन्होंने कहा आप ब्राह्मण ने कहा ठीक है मैं आज भूखा सो जाता हूँ भगवान की शायद इच्छा है कि आज मैं भोजन नहीं खाऊं। ब्राह्मण है कभी किसी को दोष नहीं देता। साधारण समाज में हम दोष देते रहते तुम्हारे कारण मेरा ये नुकसान हुआ। ब्राह्मण किसी को दोष नहीं देता वो सोचता है मेरी ही कमी है ये दुर्घटना बीती है। तो ब्राह्मण सोच रहा था मुझे सो जाना चाहिए भूखा और जगन्नाथ मिश्रा ने कहा नहीं नहीं मैंने अपने शैतान बेटे को बंद कर दिया है दूरी पर एक कमरे में अब
बड़े शांति से तुम अपना भोजन तैयार करके भोग लगा सकते हो। तीसरी बार फिर उसने भोजन तैयार किया। तीसरी बार जब भोजन भोग लगाने से भगवान को निमाई फिर वहां पहुंच गया, और जो तीसरी बार उन्होंने देखा निमाई को तो उस ब्राह्मण ने कहा, फिर पहुंच गए तुम, तुम्हारे पिता ने देखा था तुम्हें बंद कर दिया। तो निमाई ने फिर कहा, आप घबराते क्यों हो, आप ये भोग मुझे तो अर्पण कर रहे हो। तो ब्राह्मण ने कहा, विष्णु विष्णु ये लड़का देखो इतना बदतमीज है, इसने हमको विष्णु बुला रहा है। जैसे उसने कहा विष्णु विष्णु विष्णु, निमाई ने अपना श्याम सुंदर का रूप प्रकट कर दिया। जब निमाई ने श्याम सुंदर का रूप प्रकट किया तो ब्राह्मण बेहोश हो गया, ये तो सचमुच ही कृष्ण है। फिर निमाई ने वापस निमाई का रूप ग्रहण करके उस ब्राह्मण को एक आदेश दिया, कभी भी भविष्य में किसी को ये बोलना नहीं कि आपने रूप का दर्शन दिया है, क्योंकि अगर सबको पता लग जाता है ये स्वयं भगवान है तो उस संबंध बिल्कुल अलग हो जाता है। यशोदा माता उनके साथ ही जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, भगवान की महामाय योगमय शक्ति द्वारा वो भगवान के अस्थि स्वरूप को पहचान नहीं पाते। अगर ईश्वर माता को शुरू से पता था कि मेरा बेटा स्वयं भगवान है तो उनको कोई चिंता होती किसी चीज की नहीं। तो भगवान ये नहीं चाहते थे कि लोगों को पता लग जाए कि वो स्वयं भगवान है। तो एक समय जब भगवान छोटे थे, एक पिल्ले को उठाकर घर ले आए थे, ये कथा चैतन्य मंगल में है। जब पिल्ले को ले आए घर में तो सची माता ने कहा, क्या बेइज्जती, हम ब्राह्मण खानदान के हैं, हम कुत्तों को घर में रखेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे हमारे ऊपर, इससे पिल्ले को बाहर कर। निमाई ने कहा, अगर आप ये पिल्ले को बाहर करोगे तो मुझे भी बाहर जाना पड़ेगा। तो पिल्ले को घर में रखा, रस्सी से बांध दिया। एक दिन और दूसरे जो भगवान के साथी थे उन्होंने भगवान को दोष दिया, कहा देखो खेलते समय निमाई ने चापलूसी करके सबसे खूबसूरत पिल्ला उठा लिया और बदसूरत पिल्ले हमारे लिए छोड़ दिए। तो एक दिन जब निमाई गंगा में गए थे स्नान करने के लिए, हाँ, तो सची माता ने पिल्ले की रस्सी खोल दी और पिल्ला घर से निकल गया। तो निमाई जब स्नान कर रहे थे उनके साथ ही आए भागे भागे, निमाई निमाई तुम्हारी माँ ने पिल्ले को घर से निकाल दिया। तो निमाई भागे भागे वापस आए। तो निमाई ने अपने भक्तों को भेजा, ढूंढो कहाँ है नवोदय मैया पिल्ला। मेरी पिल्ले को ढूंढने गए, जब ढूंढने गए तो उन्होंने देखा पिल्ला नवोदय शहर के बीच में कीर्तन कर रहा था, दो पैरों में नाच रहा था, दो हाथों को ऊपर उठाया हुआ था और हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। उसके आंसू बह रहे थे, बाल खड़े हो रहे थे, जो शुद्ध भक्ति के लक्षण है। और पूरे शहर में ये सूचना फैल गई मिनटों में कि वो पिल्ला जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो शुद्ध भक्त बन गया है निमाई की कृपा से। और सब आए देखने के लिए उस पिल्ले को। सबने कहा कि जो निमाई है ये कहीं भगवान तो नहीं है, उसने एक पिल्ले को शुद्ध भक्त बना दिया। जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर थे बड़े प्रभावशाली बलवान असुर आए थे उनसे युद्ध करने के लिए, उतना तीना वर्ता अगस्कुरा, तो सबका वध कर लिया भगवान ने। तो ब्रिजवासी सोच रहे थे कहीं हमारा बेटा
नारायण तो नहीं है, ये कोई देवता तो नहीं है। लगता है इस पर देवता भगवान की खास कृपा है। तो नवन के लोगों ने देखा कि निमाई की संगत से बिल्ला शुद्ध भक्त बन गया है, और फिर सबके सामने एक रथ आया भगवान का, जिस पर ये पिला चढ़ गया और सबको हरे कृष्ण बोलते बोलते भगवान के धाम गया। और लोग सोचने लगे कि ये देवता तो नहीं है। अगर आप में से कोई कुछ पिला या कुत्ता रखना चाहे तो आपको पहले गारंटी लेनी पड़ेगी कि आप शुद्ध भक्त बनो, नहीं तो मत ले रखना। तो ये संक्षेप में महाप्रभु जी की बात लीलाएं हैं। भगवान महाप्रभु की लीलाएं तो कई हैं, समय का अभाव है। तो छोटे समय छोटे उम्र में ही निमाई संस्कृत के विद्वान बन गए कर गए थे। 8 साल की उम्र में निमाई गंगाधर पंडित, जो कि उस समय संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, उनके पाठशाला में संस्कृत सीखने गए। और जब निमाई संस्कृत सीख रहे थे तो बड़ी तेजी से जैसे ही अध्यापक को सिखाता था वो सीख जाते थे बड़ी, और छोटी उम्र में ही बड़े विद्वान बन गए थे, इसके लिए उनका नाम बन गया था पंडित। पैदाइशी में एक नाम उन्हें निमाई भी दिया था, सीता ठाकुरानी ने। सीता ठाकुरानी ने निमाई नाम इसलिए दिया, एक दिन का जन्म हुआ था नीम के पेड़ के नीचे। दूसरा बंगाल में ये रिवाज था या विचार है कि नीम के पेड़ का पत्ता हो या नीम से संबंधित नाम हो तो कोई बुरी नजर नहीं होगी। और महाप्रभु के प्रकट होने से पहले उनके भाई विष्णु प्रकट हुए थे, उससे पहले 8 बहनें प्रकट हुई थी, जो प्रकट होते ही जिन्होंने शरीर त्याग गया। तो चिंता थी निमाई के भविष्य की, इसलिए उनका नाम दिया था निमाई। एक और नाम दिया था गौरहरी। गौरहरी नाम क्यों दिया था? एक तो उनका जो रंग था गोल्डन एंड कॉम्प्लेक्शन, दूसरा हरि का नाम सुनते ही वो प्रसन्न हो जाते थे, क्योंकि जब वो छोटे भी थे अक्सर बच्चे रोना बंद करते हैं दूध पिलाने पर, तो निमाई रोना बंद करते थे जब वो हरे कृष्ण को सुनते थे, तो उनको नाम दिया था गौरहरी। इस प्रकार निमाई के हजारों नाम थे। तो छोटी उम्र में ही वो संस्कृत के विद्वान बन गए थे, और 11 साल की आयु में उन्होंने अपना संस्कृत का महाविद्यालय खोला था। और आज से 500 साल पूर्व भारत का सबसे धनी राज्य था बंगाल का राज्य, और बंगाल के राज्य में सबसे प्रसिद्ध शहर था नवद्वीप का शहर। नवद्वीप का शहर है 500 साल पहले वो दी इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व के जो सबसे बड़े विद्वान थे वो कहाँ रहते थे? नवद्वीप में। तो 11 साल की आयु में उन्होंने संस्कृत का एक पाठ अपना पाठशाला खोल दिया था। केशव कश्मीरी उस समय के बड़े प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे। सरस्वती देवी की खास कृपा थी केशव कश्मीरी के ऊपर, और केशव कश्मीरी ने भारत के सब विद्वानों को हरा दिया था, कोई उनके सामने खड़े होने को भी तैयार नहीं था। जैसे आजकल वर्ल्ड कप होता है, ये होता है, क्रिकेट कप होता है, उन दिनों में इंटेलेक्चुअल कंपटीशन होता था संस्कृत का डिबेट, और उसको देखने के लिए हजारों लोग आते थे।
तो केशव कश्मीरी ने सबको हरा दिया था, और जब वो हराता था तो उनसे एक पत्र ले लेता कि मैं हार गया था केशव कई बार तो लोग उनके सामने खड़े भी नहीं होते थे, कहते नहीं आपके सामने हम नहीं आएंगे, ठीक है फिर मुझे एक विजय का पत्र दे दो। तो कहीं सबसे उन्होंने, जैसे आप देखते हैं आजकल लोग सर्टिफिकेट इकट्ठा कर दिए दीवारों में छुपाया, तो केशव कश्मीरी ने लगभग सबको हराया हुआ था भारत में, उनके नाम के सामने कोई खड़ा भी नहीं होता था। तो केशव कश्मीरी ने सूचना भेजी नवद्वीप में कि मैं आपके शहर के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि के साथ संस्कृत का डिबेट करना चाहता हूं। तो नवद्वीप के पंडितों ने सभा बुलाई, केशव कश्मीरी हमारे शहर में आना चाहता है हमारी बेइज्जती करने के लिए, कौन उसके सामने लड़ेगा, कौन उसके सामने अभी संस्कृत का डिबेट करेगा। सब ने बुला गए, सबने कहा मैं तो तैयार नहीं हूं, तो तैयार नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि हमने माई पदक को आगे कर देते हैं, वो विद्वान भी है और सबसे छोटा भी था 11 साल का, तो उन्होंने सोचा कि अगर केशव कश्मीरी ने निमाई को हरा दिया तो हम कहेंगे आखिर हमारे शहर के बच्चे को हरा दिया, हमें थोड़ी हराया, और अगर निमाई ने उन्हें हरा दिया हम कहेंगे अगर बच्चा हमारे शहर का होता हमारी तो बात ही छोड़। तो निमाई पंडित गंगा के तट पर अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे थे, क्योंकि प्राचीन समय में शिक्षा दी जाती थी पेड़ों के नीचे, आजकल कहाँ ये सुविधा है ना। और केशव कश्मीरी बैंड बाजा के साथ पहुंचे नवद्वीप, जैसे राजनीतिक नेता चलते हैं आगे तो पीछे उनके चमचे चलते हैं, तो केशव कश्मीरी आगे आगे चल रहे थे, पीछे बैंड बाजा झंडा, केशव कश्मीरी के जय हो। तो केशव कश्मीरी पहुंचे नवद्वीप में गंगा के तट पर, उन्हें देखा ये निमाई संस्कृत की शिक्षा ले रहा है। केशव कश्मीरी ने पूछा क्या आप ही हो इस शहर के माने हुए पंडित निमाई पंडित? मैंने कहा हाँ मुझे निमाई के नाम से लोग जानते हैं। आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। निमाई ने कहा मेरी प्रशंसा? मैं तो संस्कृत का एक शब्द भी ठीक रूप से उच्चारण नहीं कर सकता, मेरी प्रशंसा क्यों कर दूंगा? मैं हूं केशव कश्मीरी। निमाई ने कहा कि आपकी तो बड़ी तारीफ सुनी है। तो पहले केशव कश्मीरी ने कहा कुछ नमूना दो, उदाहरण दो तुम्हारी रचना का। निमाई ने कहा मैं तो मूर्ख हूं, आप उदाहरण दीजिए। तो केशव कश्मीरी ने एक घंटे में 100 श्लोकों का उच्चारण किया गंगा नदी की प्रशंसा करते हुए, इन वन आवर, एक घंटे। इतने बड़े विद्वान थे केशव कश्मीरी। और फिर निमाई से पूछा फिर कैसे लगा तुम्हें? निमाई ने कहा बहुत सुंदर, पर इन इन श्लोकों में ये कमी थी। पर निमाई ने सारे 100 श्लोकों को सुना दिया, सारे 100 श्लोकों को एक बार सुनने में कंठस्थ कर लिया। जो व्यक्ति एक बार सुनने में किसी विषय को कंठस्थ कर ले उसे श्रुति धारा कहा जाता है। जैसे भागवतम का उपदेश शुक्रदेव गोस्वामी दे रहे थे परीक्षित महाराज को, उस सभा में हजारों और संत महंत उपस्थित थे जिनमें एक थे सुंदर गोस्वामी। तो सुंदर गोस्वामी ने एक बार सुनने से ही
18,000 श्लोकों को कंठस्थ कर लिया। जब नमश्रानी में संतों ने विनती की कि आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, सुदर्शन स्वामी ने वही 18,000 श्लोकों को सुना दिया जो कि उन्होंने एक बार सुनने से कंठस्थ कर लिया था। तो जो एक बार सुनने से कंठस्थ कर लेते कहा जाता है। तो निमाई ने 100 श्लोकों को एक बार सुनने से ही कंठस्थ कर दिया था। और जब केशव कश्मीर ने सुना कि निमाई ने एक बार सुनने से ही 100 श्लोकों को कंठस्थ कर लिया, वो आश्चर्य हो गए। उन्होंने कहा ये असंभव है, कोई साधारण व्यक्ति एक बार सुनने में 100 श्लोकों को कंठस्थ कर ले। उन्होंने कहा ये व्यक्ति जरूर कुछ खास हो। तो निमाई ने केशव कश्मीरी की रचना में जो कमियां थी उसको सुनाया। और जब केशव कश्मीरी को सुना रहे थे कमियां, तो केशव कश्मीरी ने उसका उत्तर नहीं दे पाए। तो केशव कश्मीरी जो निमाई के विद्यार्थी थे ना, मुझे हंसने लगे। जवाब ही दे पाया। निमाई ने एकदम रोक दिया, निमाई ने रोक दिया। निमाई ये सिखाना चाहते थे अपने विद्यार्थियों को कि हमें हरे के साथ आदर से व्यवहार करना चाहिए। तो निमाई ने कहा आज केशव कश्मीरी थके हुए हैं, कल इसका उत्तर देंगे। तो केशव कश्मीरी अपने घर लौटे शाम को, और सारस्वती देवी की वो पास थे, सारस्वती देवी की प्रार्थना की और कहा आप हमेशा मेरे माध्यम से ज्ञान दे रहे थे, आपने हमेशा मेरी सुरक्षा की, पर आज जब वो छोटे लड़के ने मेरी कमजोरियों को निकाला, मैं उत्तर नहीं दे पाया क्योंकि आपकी कृपा नहीं थी। तो सारस्वती दीजे ने कहा ये जो बालक है निमाई पंडित, ये साधारण विद्या साधारण बालक नहीं, ये स्वयं भगवान है, ये स्वयं भगवान है और मैं सहयोग नहीं दे सकती, तुम जाके उनके शरणागत हो जाओ। तो अगले दिन केशव कश्मीरी आए और निमाई के शरणागत हो गए। निमाई जब ये पाठशाला चला रहे थे तो रोज जब पाठशाला जाते थे, जब लोग पाठशाला में जाते थे तो रुकते थे एक केले वाले की दुकान में। एक भक्त था निमाई का जिसका नाम था कोला बेचर श्रीधर, उनका धंधा था पोल का, केले के पत्तों के प्याले बनाने, और लोग वो खरीदते थे गंगा नदी की सेवा के संबंध। और साथ में खोचर कोला बेचर श्रीधर सब्जियां केले भी बेचता था। और भौतिक दृष्टि से कोला बेचर श्रीधर धनी नहीं थे, बहुत गरीब, रहने के लिए एक कमरा था बस, और उस कमरे में कोई छत भी नहीं। तो जब बारिश गिरती थी तो बारिश से बचने के लिए कोला बेचर श्रीधर दीवार के साथ खड़े हो जाते थे ऐसे कि हम भीगे नहीं। उन्होंने छत लगाने के भी पैसे नहीं थे, दीवार के साथ खड़े हो जाते थे। और दिन रात हरे नाम का उच्चारण, और कोला बेचर श्रीधर के पास एक ही धोती थी, और वो एक धोती में भी 11 अच्छे, और उनके पूरे घर में
एक ही बर्तन था, उसी एक बर्तन में वो पानी पीते थे, उसी में भोजन बनाते थे, उसी में दाल पीते थे वगैरह। चैतन्य भागवत में कहा गया है वो जो एक बर्तन था खोले बेटे सीता के घर में, इतना पुराना था कि कोई चोर भी उसे छुएगा नहीं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, आप अंदाजा लगा सकते हो कितने गरीब थे खोले बेटे सीता। जब भी 50% पैसा अपनी आमदन का वो खर्च थे किसमें, गंगा की सेवा में। तो निवाई पंडित रोज उनकी दुकान में आते थे। निमाई कहता था क्या भाव है केले का, तो कहता एक पैसा दर्जन, नहीं तो बहुत ज्यादा रकम लगा, इसका भाव आधा होना चाहिए। तो खोले बेटे सीधा कहते थे तुम मेरी दुकान में क्यों आते हो, दूसरी दुकान से ले लो सौदा, रोज आके मेरा सिर खाते हो। तो निमाई कहता था मैं दूसरी दुकान में क्यों जाऊं, तुम्हारी दुकान में ही आना, तुम स्टेडी सप्लायर हो। मैं तो रोज निमाई वहां आता था। फिर निमाई कहता था उन्हें तुम बहुत ज्यादा नफा कमा रहे हो, मुझे पता है तुम बहुत धनी हो। तो खोले बेटे सीधा कहता था अगर तुम्हें लगता है कि मैं धनी हूं तो मेरे घर में आके देखो, मेरे घर में कितना धन है मेरे पास। तो खोले बेटे सीधा तो निमाई कहते थे तुम्हारा जो धन है एक दिन मैं विश्व को दिखाऊंगा वो धन। तो इस प्रकार दोनों का बड़ा गहरा संबंध था। और खोले बेटे सीधा 50% आमदन खर्चे थे किसमें, गंगा की सेवा में। एक समय निमाई ने अपना महाप्रकाश का रूप प्रकट किया शिवास अंगन में। शिवास अंगन इस्कॉन के मायापुर के मंदिर के निकट में ही है, यहाँ की निमाई ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया था। तो निमाई ने ये महाप्रकाश का रूप प्रकट किया था 24 घंटों के लिए, पर केवल अपने प्रसिद्ध भक्तों को ही ये खास दर्शन दिया था, सबको नहीं। तो महाप्रभु ने अपने प्रतिनिधि को बोला जाओ खोला बेटे श्रीधर को भी लाओ, और खोला बेटे श्रीधर के घर को ढूंढना कठिन नहीं है, तो हर घर के सामने से गुजरना, जिस घर में तुम सुनोगे हरे कृष्णा वो खोले बेटे श्रीधर का घर। ये खोले बेटे श्रीधर 24 घंटे हरे नाम का उच्चारण करते थे लगभग, जब दुकान में होते थे जब भी हरे कृष्णा, रात को सोते भी नहीं थे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे। तो जो खोले बेटे सीधा के जो पड़ोसी थे वो कहते थे ये ना गरीब है कि रात को भूत सताते हैं, तो ये खुद भी नहीं सोता हमें भी सोने नहीं देता। तो सारे पड़ोसी खोले बेटे सीधा के दुश्मन बन गए थे, क्योंकि खुद के नहीं, खुद भी नहीं सोता हमें भी सोने नहीं देता। तो खोले बेटे सीधा निमाई रोज उनकी दुकान में जाते थे जो सौदा करते थे। तो एक दिन निमाई ने उन्हें कहा खोले बेटे सीधा तुम 50% आमदन खर्च रहे हो गंगा की नदी में, गंगा की सेवा में, पर ये गंगा मेरे चरणों से आ रही है तुम जानते नहीं। तो खोले बेटे सीधा ने कहा विष्णु विष्णु देखो कितना पापी है अपने आप को विष्णु बोला। तो जब भगवान ने अपना देवीय रूप प्रकट किया और अपने प्रसिद्ध भक्तों को निमंत्रण दिया, जब खोले बेटे सीधा वहां आए
तो भगवान ने उनसे कहा, श्रीदा तुम्हें क्या वर चाहिए, पूरे पृथ्वी का धन ऐश्वर्य। श्रीदा ने जब देखा भगवान का रूप तो उन्हें समझ आया जो भगवान कहते थे। निमाई ने कहा कि मैं ही हूं विष्णु, ये सच है। श्रीदा ने कहा कि अगर आप मुझे एक वर देना चाहते हो तो ये वर दीजिए कि हर जन्म में आप ये दुकान में आओ सौदा करने के लिए और हर जन्म में मुझे आपका साथ मिले। तो खोलो बेटे श्रीदा को भगवान ने कहा जो धन चाहिए, पूरे पृथ्वी का धन चाहिए, वो मैं देने को तैयार हूं। तो खोलो बेटे श्रीदा ने क्या मांगा, केवल शुद्ध शक्ति। तो ये है उनका लक्षण। तो यही खोलो बेटे श्रीदा ने जब महाप्रभु ने संन्यास भी लिया तो महाप्रभु जी को उन्होंने एक पंपकिन दिया था जो कि माँ ने दूध के साथ बनाया था महाप्रभु के लिए संन्यास लेने से पहले। तो कुलभूषण श्रीदा बहुत ऊंचे कोटि के भक्त थे जिनका निमाई पंडित की तरफ बड़ा गहरा संबंध था। चैतन्य महाप्रभु जी ने पहले तो बड़ा शरारती का व्यवहार प्रकट किया जब वो छोटे थे, फिर संस्कृत के विद्वान बने, फिर उसके बाद उन्होंने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया। संकीर्तन आंदोलन उन्होंने आरंभ किया शिवास आंगन में। हम लोग जब परिक्रम करते हैं तो जैसे इस समय ऐसा चार पार्टी थी, एक बंगाली, एक हिंदी, एक रशियन, एक अंतर्राष्ट्रीय, पर सबका मिलन होता है शिवास आंगन में। तो शिवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया था। और उस संकीर्तन आंदोलन में जब आरंभ किया पूरे नवद्वीप में ये एक सूचना फैल गई और सब कहने लगे अपने भाई ने संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया है। तो जो ब्राह्मण थे नवद्वीप में उनके हृदय में घबराहट हो गई। जो स्मार्ट ब्राह्मण थे उन्होंने कहा अरे निमाई ने संकीर्तन आंदोलन शुरू किया है, अब लोग कर्म कर्ण की परवाह नहीं करेंगे, हमारी परवाह नहीं करेंगे, हमारा धंधा तो खत्म हो जाएगा। इन ब्राह्मणों ने चांदकाजी जो उस समय जैसे मैंने कहा मुसलमानों का शासन था और जो चांदकाजी था वो नवाब हुसैन शाह जो बंगाल के राजा थे उनके प्रतिनिधि थे। वो सब ब्राह्मण गए चांदकाजी के पास कहने लगे इन्हें माई पंडित ने ये संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया है जो कि हिंदू धर्म के विरोध में है, इसे बंद करो। फिर मुसलमान प्रतिनिधि भी जाने लगे। मुसलमानों ने कहा चांदकाजी से अरे अगर हम ये निमाई पंडित के हरिनाम को संकीर्तन को बंद नहीं करेंगे तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे, इसे बंद करो। और एक मुसलमान था दाढ़ी वाला तो बार बार चांदकाजी के पास जाता था, कहता था बंद करो बंद करो निमाई पंडित के संकीर्तन को बंद करो। तो चांदकाजी ने कहा तुम दिन रात कहते हो बंद करो बंद करो, पर जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो देखता तो तुम हरे कृष्ण कृष्ण ये क्या, अगर तुम्हारी इतनी नफरत है तो वे बार बार हरे कृष्ण क्यों बोलते हो। तो उसने कहा ये बात सत्य है, जब से मेरा परिचय हुआ है यह हरिनाम के साथ यह हरिनाम जीव से निकलता ही नहीं, कई बार मैंने कोशिश कर निकालने के लिए निकलता ही नहीं। तो चांदकाजी ने पहले तो प्रतिनिधियों को भेजा सूचना के साथ बंद करो नहीं तो हम सबको मुसलमान बना देंगे। प्राचीन समय में मुसलमान बनना पड़ा है शाम तक, अगर आपने किसी मुसलमान के यहां नौकरी कर ली
मुसलमान बन गए। अगर आपने किसी मुसलमान के घर में खाना खा लिया तो मुसलमान बन गए। अगर किसी मुसलमान के बाल्टी से एक बूंद पानी भी गिर गया ऊपर तो आप मुसलमान बन गए। एक कथा पढ़ते और चैतन्य चैतन्यमृत में सुबुधी रॉय एक समय बड़े समझदार थे बंगाल के। उनके पास एक नौकर था जिसका नाम था हुसैन। तो एक दिन हुसैन ने कुछ गलती की थी कुएं को खोते समय। तो सुबुधी रॉय ने प्रेम से एक विप लगाई थी जिसके द्वारा एक निशाना गिर गया था उनकी पीठ में। चापलूसी करके ये हुसैन नवाब बन गया पूरे बंगाल का और फिर इसका नाम बदल दिया नवाब हुसैन शाह। और एक दिन और सुबुधी रॉय जो बहुत बड़ा जमींदार था वो थोड़ा गरीब बन गया। तो एक दिन नवाब हुसैन शाह के पति ने देखा एक निशाना पीछे पति के पीठ में। उन्होंने कहा अरे ये कहां से आ गया। तो नवाब हुसैन शाह ने कहा जब मैं छोटा था तो मैं एक सुबुधी रॉय जमींदार के घर में नौकर था और मैंने गलती की थी जिसके कारण उन्होंने प्रेम ये चाबुक मारा था जिसकी निशानी है। तो पत्नी ने कहा अब तुम राजा बन गए हो मार दो उसे बदला लो। उसने कहा मैं बदला कैसे लूं ये तो उसने तो मुझे बेटे जैसे पाला था और ये जो निशाना ये भी प्रेम का निशाना है मैं उसे नहीं मार सकता। तो पत्नी ने कहा अच्छा कम से कम मुसलमान तो बना दो मारना नहीं चाहते बना दो। तो उसी ने उसने कहा अच्छा ठीक है मुसलमान बना दे। तो सुबुधी रॉय को उन्होंने बुलाया उन्होंने बाल्टी से पानी फेंका हो तो सुबुधी रॉय के घर वालों को जब सूचना मिली तो उन्होंने कहा घर वालों ने अब तो तुम घर में नहीं रह सकते। तो सुबुधी रॉय कई ब्राह्मणों के पास गए बनारस में पूछने लगे अब इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। तो कईयों ने तो कहा उबलता हुआ घी पी के आत्महत्या कर लो कई ब्राह्मणों ने कहा। फिर सुबुधी रॉय आए चैतन्य महाप्रभु के पास और उनसे पूछने लगे मुझे क्या करना चाहिए इस स्थिति में। चैतन्य महाप्रभु ने कहा वृंदावन में जाओ और हरे नाम का उच्चारण। फिर सुबुधी रॉय वृंदावन में आए और वहां छोटा सा बंदा था जिसमें से दो तीन पैसा महीने में कमाते थे और आधी से ज्यादा रकम खर्च रहे थे ओरी और बंगाली जो वैष्णव और वैष्णवी आते थे वृंदावन में उनकी सेवा में। तो जब चैतन्य जब महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया तो एक तरफ से कई हिंदू ब्राह्मणों ने विरोध किया एक तरफ से मुसलमानों ने विरोध किया। तो चंद काजी ने सूचना भेजी थी रोक दो इस संकीर्तन को। महाप्रभु ने नहीं तो कर देगा। तो एक दिन महाप्रभु ये राजा चंद काजी ने कई सिपाही भेजे जिन्होंने वृंदावन का तोड़ दिया और सब सबको कहा अगर हमने एक बार फिर से तुम लोग को ये कीर्तन करते हुए देखा तो हम तुम सबको मुसलमान बना देंगे। तो सारे भक्त घबरा गए घबरा कर आए महाप्रभु के पास। महाप्रभु के पास जाकर जो दुर्घटना बीती थी उसकी सूचना दी। महाप्रभु ने 1,00,000 भक्तों को इकट्ठा किया मिनटों में और 1,00,000 भक्तों के साथ एक बड़े मोर्चे को लेकर कहां गए चंदकाजी के घर महल पर पहुंचे। चंदकाजी ने जब देखा दूर से इतना बड़ा मोर्चा आ रहा है
तो घबरा गए और छुप गए। पर मैं प्रभा जी कहते हैं, हम भारत में कहते हैं महात्मा गांधी द फाउंडर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, प्रभा जी कहते हैं एक्चुअली लॉर्ड चैतन्य, उन्होंने सबसे पहली बार ऑर्गेनाइज किया था पीस वो मूवमेंट। तो चांदका जी के घर में एक विनिमाई पंडित पहुंचे अपने भक्तों के साथ, तो में एक सात माता में एक माता है, गाय माता है। तो जानकारी ने स्वीकार किया कि हमारे धर्म में कई त्रुटियां रह गई हैं। और जानकारी ने कहा कि जिस दिन मैंने अपने प्रतिनिधियों को भेजा था तुम्हारे मृदंगा को तोड़ने के लिए, उस दिन रात को मुझे एक सपना आया था जिसमें एक शेर ने तेज नाखून के साथ मेरी छाती को चीरा, ये देखो निशाना, और कहा अगर तुम भविष्य में निमाय बंदर के समक्ष इतना आंदोलन को रोकोगे तो मैं तुम्हें तो ये चंदकाजी इतना घबरा गया था। चंदकाजी ने फिर कहा कि मैं अपने भविष्य के प्रतिनिधियों को आदेश देता हूं क्या कि कभी भी तुम्हारे समुद्र आंदोलन को नहीं। तो निमाई पंडित ने लगभग 8 घंटे के लिए एक साथ हरिनाम संकीर्तन किया था, और 8 घंटे संकीर्तन करने के बाद उन्हें थोड़ी प्यास लगी। जब प्यास लगे तो पानी पीने के लिए कहां गए, खोला वैसे श्रीदार की कुटिया में, और झोल वैसे श्रीदार की कुटिया में कितने बर्तन थे, एक ही बर्तन। तो खोले बेचे शीरा के कुटिया में निमाई पंडित गए और वो एक प्याला लेकर पानी पीने लगे। जैसे प्यानी पानी पीने लगे, खोले बेचे शीरा ने चिल्ला कर कहा नहीं, ये मेरा झूठा बर्तन है, इसमें आप नहीं पी सकते। और महाप्रभु ने कहा मैं इस प्याले से पीकर अपने आप को शुद्ध बना रहा हूं। उन्हें खोले बच्चे श्रीदार को इतना आनंद दिया, कहा ये मेरी पवित्रता के लिए मैं ये पानी पी रहा हूं। फिर उन्होंने जबरदस्ती उसी प्याले से पानी पिया। तो श्रीवास आंगन में कई प्रसिद्ध लीलाएं बीती हैं भगवान की, वहां भगवान कीर्तन करते थे, सारी रात कीर्तन होता था, सारी रात बाब 16-16 घंटे कीर्तन एक साथ। और चैतन्य महाप्रभु केवल उस सभा में जो उनके प्रसिद्ध प्रिय भक्त थे उन्हें ही अंदर आने का अधिकार था, बाकियों को नहीं। एक ब्राह्मण था जो कि वो दूध और फल पर जी रहा था, तो रोज आकर श्रीवास को कहता था मुझे अंदर आने दो ना महाप्रभु का कीर्तन देखने के लिए। और श्रीवास कहते नहीं मुझे अधिकार नहीं है किसी को छोड़ने का, केवल जो महाप्रभु ने चुने वही भक्त आ सकते। तो एक दिन वो इतनी जिद कर रहा था तो श्रीवास ने अच्छा ठीक है तुम देखो तो ये जो दरवाजा है इसमें छोटा सा छेद है, तुम इस छेद के पीछे खड़े होकर देखो वो छेद से और कितनी निमाही ऐसे आपको देख नहीं सकेंगे। और श्रीवास की एक सास थी उसको भी अंदर आने लगा। तो निमाई हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे श्रीवास के पंडित के घर में और एकदम उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा आज हमारी सभा में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे नहीं होना चाहिए। तो श्रीवास घबरा गए, एक ब्राह्मण था क्योंकि बड़ा तपस्वी था, इसने कि जो से दूध और फल पर जीरा है जिसको मैंने अधिकार दिया कि आपका संकीर्तन का दर्शन है। महाप्रभु ने कहा केवल
दूध और फल पीने से थोड़ी भक्ति आती है, भक्ति की भावना होनी चाहिए, वही व्यक्ति मेरे दिव्य रूप का दर्शन ले सकता है। ये जो ब्राह्मण था, तपस्वी था, पर इसमें भक्ति योग का भाव नहीं था। तो महाप्रभु ने कहा कि केवल तुम दूध लोगे, फल लोगे और पर भक्ति योग का भाव नहीं, तो क्या फायदा। महाप्रभु जी कृपा से उस ब्राह्मण में भक्तियों का भाव प्रकट हो गया, तो भी हजबंड। तो एक ब्राह्मण था महाप्रभु के घर के सामने, श्रीवास के घर के सामने, जिनका नाम था, एक ब्राह्मण था जिसके नाम था गोपाल ब्राह्मण, जिसके मन में बड़ी ईर्ष्या थी। ये ब्राह्मण कहता था चैतन्य महाप्रभु को, वो ब्राह्मण के मन में कुछ, और श्रीवास का पड़ोसी था, तो वो कहता था कि श्रीवास को इतना आदर मिल रहा है, चैतन्य महाप्रभु जी रोज उसके घर में आते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, पूरा मायनाबद वे श्रीवास का धूम गुणगान कर रहा है, तो उसके घर हृदय में ईर्ष्या थी, द्वेष था। ईर्ष्या और द्वेष हमारे आध्यात्मिक जीवन के शत्रु हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या द्वेष जब तक रहेगा भगवान हमारे हृदय में निवास नहीं करते। तो ये ब्राह्मण ने श्रीवास के घर के सामने, दरवाजे के सामने शराब की बोतल रख दी और दूसरा सामान जिससे दुर्गा जी की पूजा की जाती है, और अगले दिन सुबह जब शिवाज ने दरवाजा खोला तो देखा, ओ शराब की बोतल और ये सब मस्त दुर्गा की पूजा का सामान। तो उन्होंने पड़ोसियों को बुलाकर कहा, पड़ोसी देखो मैं तुम सबको धोखा दे रहा था, मैं कृष्णा का भक्त नहीं हूं, मैं हूं दुर्गा का भक्त। तो पड़ोसी ने कहा, नहीं ये किसी शैतान की हरकत है, और उन्होंने गोबर से और गाय के मूत्र से पूरे स्थान को साफ कर दिया। ये जो ब्राह्मण जिसके हृदय में ये ईर्ष्या थी, उसको कोढ़ की बीमारी हो गई, लेप्रसी, कोढ़ की बीमारी हो गई, और वो बहुत बीमार हो गया। वो महाप्रभु को मिला, महाप्रभु से कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके भक्त की के हृदय में ईर्ष्या रखी थी। महाप्रभु ने कहा, तुम्हें हजारों साल नरक में तड़पना चाहिए श्रीवास के प्रति ईर्ष्या रखने के कारण। तो ब्राह्मण तड़पते गया, तड़पते गया। वे जब निमाई संन्यास लेकर लौटे, निमाई ने कटवा में संन्यास लिया था केशव पार्क में, तो ब्राह्मण फिर से उन्हें मिला। फिर ब्राह्मण ने फिर से महाप्रभु से विनती की, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो, अभी हजारों कई सालों से मैं तड़प रहा हूँ। तो निमाई ने कहा, मैं नहीं तुम्हें माफ कर सकता, तुम जाओ श्रीवास के चरणों में। फिर निमाई गए श्रीवास के चरणों में और श्रीवास ने उन्हें माफ किया। तो इस घटना के द्वारा निमाई ने हमें क्या संदेश दिया कि हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। इस ब्राह्मण के हृदय में ईर्ष्या थी, उसने वैष्णव अपराध किया, इसका क्या परिणाम हुआ, तुरंत ही उसे कोढ़ की बीमारी हो गई। इस विषय में निमाई ने एक और उदाहरण दिया, निमाई सब पर दया की दृष्टि से कृपा बरस रहे थे, तो भक्त निमाई को कहते थे, आप सब पर दया कर रहे हो, अपनी माँ पर दया क्यों नहीं कर रहे। सच्ची माता, सच्ची माता के हृदय में अद्वैताचार्य के प्रति थोड़ा विरोध था। महाप्रभु के प्रकट होने से पहले अद्वैताचार्य और हरिदास बकायदा प्रार्थना कर रहे थे,
अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, और जब अद्वैताचार्य और हरिदास ने देखा समाज की स्थिति, तो हरि अद्वैताचार्य शालग्राम शिला की पूजा कर रहे थे गंगा जल के साथ, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे आप कृपा करके प्रकट हो पतितों का उद्धार करने के लिए, और उनकी प्रार्थना के उत्तर में भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जी के लिए। तो अद्वैताचार्य सची माता का थोड़ा क्रोध था अद्वैताचार्य के प्रति, वो सोचते थे मेरा बड़ा बेटा विष्णु उसने घर छोड़ा अद्वैता के प्रभाव से, और मेरा छोटा बेटा भी संन्यास ले लिया अद्वैता के प्रभाव से। यह अद्वैता नहीं है, द्वैता है। तो उनके मन में सदैव थोड़ा सा क्रोध था। तो जब भी भक्त चैतन्य महाप्रभु कहते थे आप सब पर दया कर रहे हैं, अपनी माँ पर फिर कर रहे हैं, तो वो कहते थे मेरी माँ ने अपराध किया है, उनके मन में गलत भाव है। तो जब ये सूचना दी जाती थी अद्वैताचार्य को, तो अद्वैताचार्य कहते थे ये कैसे संभव है, वो सची माता तो भगवान की माँ है, क्योंकि कैसे संभव हो सकता है कि वो कभी भी गलत भाव रखे। तो एक दिन जब भगवान ने अपना भगवान दिव्य रूप प्रकट किया था, अद्वैताचार्य प्रणाम कर रहे थे, तो सची माता पीछे से आई, उनके चरणों में धूल लेकर अपने सिर पर लगा। तो जब माँ भगवान ने देखा कि सची माता ने अद्वैताचार्य के चरणों के धूल को लेकर सिर पर लगाया, तो बड़े खुश हो गए। फिर अब मैं अपनी माँ को कृपा दूंगा। तो कहने का तात्पर्य है भक्ति के मार्ग पे हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। वैष्णव अपराध से बचोगे तो हरि नाम का पूरा लाभ आएगा। बहुत जन्म करे यदि श्रवण कीर्तना तब धन पाया कृष्ण पदे प्रेम धना। और अगर आप वैष्णव अपराध करोगे तो भक्ति का पूरा लाभ नहीं आएगा। तो हमें आज इस शुभ दिन पर चैतन्य महाप्रभु जी से ये प्रार्थना करनी चाहिए क्या, कि हमें भी इनकी कृपा प्राप्त हो, कि हम उनके आदेश के अनुसार अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पण कर सके। भगवान का क्या आदेश है गीता में, सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम हम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मानिता। तो ये आप सबका भाव है। चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा, पृथ्वी पे आज तक नगर ने कहा जितने नगर गांव है सब जगह क्या होगा, यह हरिनाम होगा। हमारे जो गौड़िया वैष्णव थे वो भी 50 साल पहले तक सोच रहे थे हाँ ये महाप्रभु की भविष्यवाणी तो है पर ये सत्य नहीं निकलेगी, कलियुग का बहुत गहरा हो गया है। भक्ति सिद्धांत जी ने भी कई प्रतिनिधियों को भेजा था पश्चिम देशों में कृष्ण भक्ति की स्थापना के लिए, पर बिना सफलता के वो लौट गए थे। तो कई सोच रहे थे हाँ ये संभव नहीं हो पाएगा, कलियुग का बहुत गहरा है, पर प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया था। तो प्रभुपाद जी ने पूरा विश्वास रखते हुए गुरु के आदेश का पालन करने का प्रयास किया, जिसका क्या परिणाम हुआ, पूरे विश्व में ये हरि नाम फैल गया। आज विश्व का कोई कोना नहीं है यहाँ की यह हरि नाम नहीं पहुँचा हो, यहाँ की आप इसमें के भक्त को नहीं प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु ने क्या थी विश्ववाणी, पृथ्वी पे आज तक नगरा में ग्राम सर्वद प्रचार और मोड़ना, विश्व में हर जगह क्या यह हरि नाम पहुँचेगा। महाप्रभु ने क्या आदेश दिया हम सबको, बोलो कृष्ण माधव कृष्ण गोलो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की पूजा करो, और कृष्णा की जो शिक्षा है गीता भागवत में उसको अपनाओ और उसको आगे बढ़ाओ। तो आप सबसे यही निवेदन है, आप गहराई के साथ महाप्रभु की शरण का सुनने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, साथ कीर्तन करो जप करो, हरे कृष्ण।